हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि नॉर्मल डिलीवरी होने के क्या लक्षण होते हैं, तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सिजेरियन डिलीवरी होने के भी लक्षण बताइए कि सिजेरियन डिलीवरी होने के क्या लक्षण है, जिससे कि हम पहले से प्रिपरेशन कर लें और उस चीज़ के लिए तैयार रहें। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 लक्षण बताने वाली हूँ जिससे कि आप पहचान पाएंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, सिजेरियन डिलीवरी ही होगी, जिससे कि आप पहले से अपना माइंड प्रिपेयर कर लें और साथ में और भी जो प्रिपरेशन होती है वो भी आप कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटे हैं उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और आप सभी से और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट टाइम पर बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जिस वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है, ये क्लियर तभी हो जाता है जब आप अपना लास्ट अल्ट्रासाउंड कराती हैं, जो कि 9वें महीने में होता है, 38 वीक में। तो जब आपका लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें ऐसे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं जिस वजह से डॉक्टर आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, सिजेरियन डिलीवरी ही करनी पड़ेगी। तो आज मैं कुछ ऐसी ही वो बातें आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ, साथ में कुछ लक्षण भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली जो बात होती है फ्रेंड्स, वो होती है बच्चे की पोजीशन। अगर अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि आपके बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया है, बच्चे की पोजीशन ब्रीच है या बच्चा ट्रांसवर्स पोजीशन में है, मतलब कि बच्चा उल्टा आड़ा या तिरछा है, तो ये क्लियर हो जाता है कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, अब डॉक्टर आपकी सिजेरियन डिलीवरी ही करेगा। वो क्यों? क्योंकि इस पोजीशन में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बच्चे की जान पर भी आ जाता है। जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है तो डॉक्टर सिर्फ आपको सिजेरियन डिलीवरी करने की ही सलाह देते हैं, जो कि आपको माननी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो भी डिसीजन लेते हैं वो आपके और आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए ही होता है। दूसरी जो बात होती है फ्रेंड्स, वो होती है प्लेसेंटा पोजीशन। अगर आपका 9वें महीने में भी डिलीवरी का टाइम अगर करीब आ रहा है और आपकी प्लेसेंटा पोजीशन लो लाइंग बनी हुई है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया अगर आपका है, तो इस सिचुएशन में सिर्फ सिजेरियन डिलीवरी ही होगी, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी किसी भी तरीके से, क्योंकि लो लाइंग प्लेसेंटा में ऐसा माना जाता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी की जाती है तो ब्लीडिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इस कंडीशन में डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी की सलाह ही देते हैं। और दूसरी सिचुएशन क्या होती है, जब ये लो लाइंग प्लेसेंटा प्लेसेंटा प्रीविया बन जाता है, मतलब आपका जो प्लेसेंटा होता है वो सीधा बच्चेदानी के मुंह पे रह जाता है, मतलब बच्चेदानी के मुंह को बिल्कुल कवर कर लेता है, तो फिर सोचिए नॉर्मल डिलीवरी कैसे पॉसिबल है। इस वजह से इन दोनों प्लेसेंटा पोजीशन में डॉक्टर को सी सेक्शन डिलीवरी ही करनी पड़ती है। तो अगर आपकी भी प्लेसेंटा पोजीशन लो लाइंग है, डिलीवरी टाइम तक भी यही बनी हुई है, और प्लेसेंटा प्रीविया की अगर आपको दिक्कत है, तो आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी आप छोड़ दीजिए, नॉर्मल डिलीवरी का इंतज़ार मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तीसरी जो सिचुएशन होती है सिजेरियन डिलीवरी होने की, वो होती है हाई बीपी, शुगर, या फिर आपको और कोई डिजीज़ है, जैसे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, या कोई भी आपको दिक्कत है प्रेगनेंसी में, किसी भी तरीके की बीमारी है, तो भी आपको डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी करने की ही सलाह देते हैं। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी का पेन होता है, नॉर्मल डिलीवरी में जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, इस वजह से डॉक्टर बिना रिस्क लिए हुए आपकी सिजेरियन डिलीवरी करना ही सेफ समझते हैं। चौथी जो कंडीशन होती है वो होती है खून की मात्रा। जैसे कि डिलीवरी के लिए खून का लेवल सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि डिलीवरी के टाइम से आपको पता है कि ब्लड फ्लो काफ़ी हो जाता है, इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी के लिए कम से कम आपका 9 पॉइंट तक ब्लड होना ही चाहिए, तभी जाके नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। और अगर आपका 9 पॉइंट तक नहीं है, इससे कम है, तो डॉक्टर आपकी इस कंडीशन में सिजेरियन डिलीवरी ही करेंगे, आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आपका हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट नहीं करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको सिजेरियन डिलीवरी करा लेनी चाहिए। इसके बाद की जो कंडीशन होती है पांचवी, वो होती है ज़्यादा वेट गेन। अगर आपने प्रेगनेंसी में ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, मतलब आपका 20 से 25 किलो वेट अगर पूरी प्रेगनेंसी में गेन हो चुका है और आप ओवरवेट हो चुके हैं, प्रेगनेंसी में 80-90 के बीच में अगर वेट हो गया है, इससे ज़्यादा भी अगर हो गया है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर सिर्फ आपकी सिजेरियन डिलीवरी करना ही
सेफ समझते हैं, नॉर्मल डिलीवरी करने का रिस्क नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट लक्षण। इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी आपकी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है, आपकी सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। इसलिए क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना नॉर्मल डिलीवरी का, वेट करते करते और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। इसलिए ज़्यादा वेट भी आपको नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपना डिलीवरी प्लान कर लीजिए। मेरी पर्सनली एडवाइस यही है कि आपको जो भी ये लक्षण मैंने बताए हैं, आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और अगर डॉक्टर बोल रहे हैं आपको कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट ना करें, सिजेरियन डिलीवरी ही कराएं, तो डेफिनेटली आपको सिजेरियन डिलीवरी अपनी प्लान कर लेनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे ऐसे लक्षण जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, सिजेरियन डिलीवरी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।